बच्चों, हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट ज्योग्राफी के चैप्टर पढ़ रहे थे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो कल हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। आज हम पढ़ेंगे एक और डोमेन के बारे में, बायोस्फेयर। बायोस्फेयर द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फेयर क्या है? जो डोमेन है उसकी क्या है? लाइफ है ये। द बायोस्फेयर इज द नैरो जोन ऑफ कंटैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। जो बायोस्फेयर है एक नैरो जोन है, एक तंग जोन है। नैरो मतलब बिल्कुल ही तंग जोन है, जो किसके बीच कंटैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर, इन तीनों का क्या है, ये मिश्रण है। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्टेंस। ये वो जोन है जिसमें हमारी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है, जो हमारी जिंदगी है वो एग्जिस्ट करती है। अगर बच्चों अगर ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि जैसे ये हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर किसका था? जो हमारी ब्लू बॉडीज थी, जैसे पानी जो भी है, ओशंस हैं या रिवर्स हैं या लेक्स हैं, उसको क्या बोला, उसको क्या बोलते थे भाई बच्चों? हाइड्रोस्फीयर। और एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो हमारा गैसेस का मिक्सचर्स है, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो नाइट्रोजन हो, डिफरेंट गैस का मिक्सचर्स है, वो क्या, उसको क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। और जो लिथोस्फीयर जिसपे हम रहते हैं, जिसपे ह्यूमन बीइंग रहते हैं, जो हमारी जमीन है जिसके ऊपर हम रहते हैं, जिसपे हम घर बनाते हैं, वो क्या होता है? लिथोस्फीयर। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनका साइज वेरी करता है, चाहे वो छोटे से बड़ा उनका सीरीज साइज क्या करता है, वेरीज करता है। वो बड़े बड़े, छोटे से छोटे भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है और बड़े से बड़े भी हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर। जितने भी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव, जिंदा रहने वाली चीज़ें हैं हमारी ज़मीन पर, हमारी धरती पर, चाहे वो इंसान भी हो, वो क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, वो लिंक है। एंड टू द बॉयज फॉर सर्वाइवल। एक तो वो एक दूसरे के साथ लिंक है और वो बायोस्फेयर के साथ लिंक है अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी जिंदगी बसर करने के लिए। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फेयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इन टू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। जो ऑर्गेनिज्म में, बायोस्फेयर में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस में डिवाइड किया गया है? दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो प्लांट किंगडम्स है और एक एनिमल किंगडम है। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विथ ईच अदर। जो तीन डोमेन्स है अर्थ के, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, जो मेन है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। और एक दूसरे को किसी न किसी तरीके या दूसरे किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज फॉर फुलफिलिंग अवर नीड्स ऑफ वुड। जैसे कि हम जंगल को काटते हैं ताकि हमारी जितनी भी लकड़ी की जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए। और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। इससे क्या हो जाता है कि अगर हम, या तो जब हम जंगल काटते हैं चाहे वो हमारी लकड़ी की ज़रूरतों को पूरा करता है या हमारी खेती के लिए ज़मीन को क्लियर करता है, मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। उससे क्या हो जाता है कि ये जो सॉइल है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाती है, धंसना शुरू हो जाता है। सिमिलरली अर्थ सरफेस मे बी चेंज ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज। और इसी की जैसे कि हमारे जो ज़मीन की सतह है ये भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है कुदरती क्लाइमेटीज के साथ, लाइक अर्थक्वेक, जैसे भूकंप आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। जैसे कि एक केस आया था, सुनामी हो गया था, उसमें क्या हो गया था, जितनी भी ज़मीन क्या हो गई थी, मर्ज हो गई थी। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज अंडर वाटर। जो अंडमान और निकोबार के हिस्से थे वो क्या हो गए थे, पानी के अंदर सबमर्ज हो गए थे। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, चाहे हमारे घरों से निकलता है चाहे हमारी फैक्ट्री से निकलता है, जब वो वेस्ट मटेरियल्स हम दरियाओं में फेंकते हैं या नदियों में फेंकते हैं, उससे वो पानी क्या हो जाता है, इंसान के काम का नहीं रहता है, इंसान के यूज़ का पानी नहीं रहता है। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये बाकी ज़िंदगी को भी नुकसान पहुँचाता है। और वो कौन सी ज़िंदगी है, जो पानी में रहने वाले, चाहे वो पानी के जितने भी जानवर हो उनको भी नुकसान पहुँचाता है। इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। जो भी इंडस्ट्रीज से होता है या पावर प्लांट से होता है या गाड़ियों से जो भी धुआं निकलता है, वो क्या करता है, हमारी जो एयर को है वो क्या करता है, गंदा करता है, पोल्यूट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हवा का मेन एक
बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सीओ टू लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। लेकिन जैसे जैसे सीओ टू बढ़ेगा वैसे वैसे ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ेगा। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। इसको क्या बोला जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। देर इज नो ए नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फेयर द एटमोसफेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर। इसीलिए हमको ज़रूरत है जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं, वाटर के रिसोर्सेस हैं, हमारे पानी के रिसोर्सेस हैं, उनका जो यूज़, जो उनका हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो सही ढंग से करें और कम से कम जितना हो सके उसका इस्तेमाल करें, ताकि जो बैलेंस होता है, एक जो हमारी डोमेन्स है, अर्थ की डोमेन्स है, चाहे लिथोस्फियर, एटमोसफियर एंड हाइड्रोस्फियर के बीच में जो बैलेंस है वो क्या रहे, बराबर बना रहे। तो थैंक यू बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।